दोस्तों, क्या आप भी ECG टेक्नीशियन बनना चाहते हैं? क्या आप ECG टेक्नीशियन कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं? तो अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ECG टेक्नीशियन आखिर कैसे बने, इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ECG टेक्नीशियन आखिर बने कैसे। ECG टेक्नीशियन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन या फिर कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन भी कहते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए कैंडिडेट को 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं के बाद आप सर्टिफिकेट इन ECG टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं और 12वीं के बाद आप डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन या डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स के ड्यूरेशन 1 ईयर और डिप्लोमा कोर्स के ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होती है। इन कोर्स की फी अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 70,000 प्रतिवर्ष हो सकती है। कोर्स करने के बाद आपको 3 से 6 महीने तक किसी हॉस्पिटल में ECG टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटर्नशिप करनी होती है, जिसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में ECG टेक्नीशियन के तौर पर जॉब कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं करियर स्कोप इन ECG टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ECG टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल का काफी अहम कोर्स है, इसलिए इस फील्ड में करियर की काफी अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब के काफी अच्छे अवसर रहते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि आज के समय में बढ़ती बीमारियों और रोगियों की संख्या के कारण हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की संख्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में यहाँ पर रोगियों का इलाज और देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की भी डिमांड बढ़ रही है। इस तरह से अगर आप ECG टेक्नीशियन कोर्स करते हैं तो आपको जॉब के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी खास बात ये है कि आप अपने आसपास के नजदीकी हॉस्पिटल में ही जॉब पा सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती है, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक, हेल्थ केयर सेंटर में जॉब कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि ECG टेक्नीशियन का आखिर काम क्या होता है। ECG टेक्नीशियन का काम ECG मशीन का इस्तेमाल कर मरीज की हार्ट रेट्स को मापना होता है और कार्डियक रिम को भी मॉनिटर करना होता है। इसके साथ ही ECG टेक्नीशियन दिल और रक्त वाहिकाओं में अनियमितताओं को ढूंढने में डॉक्टरों की मदद करते हैं। रोगियों की चिकित्सा स्थिति को जानना, डेटा कलेक्ट करना तथा हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर की हेल्प करना इनका काम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन का ECG के टेस्ट प्रोसीजर की देखरेख करते हैं और ECG की रीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। आपको बता दें कि ECG प्रक्रियाओं के माध्यम से रोगी को सलाह देते हैं और ECG लैब के उपकरणों की देखरेख भी करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि ECG टेक्नीशियन की सैलरी आखिर इंडिया में कितनी हो सकती है। इस फील्ड में एंट्री लेवल पर आप 8 से 10 हजार रूपए पा सकते हैं। कुछ साल का अनुभव होने के बाद आपको 15 से 20 हजार रूपए सैलरी मिलने लगती है। जैसे जैसे आपको इस फील्ड में अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे ही आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अगर आप भी ECG टेक्नीशियन कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.allschoolscolleges.com को विजिट करें और वहां पर कॉलेजेस देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी ले सकते हैं।